राम राम पोस्टमास्टर साहब। का हाल बा गोविंद भाई? अब का हाल बताई, यहाँ मर मर के लड़का के खेत बाड़ी बेच के पैसा भेजा था नी, और ये देखा चौन चिट्ठी भेज ले बा, ओकरा के पैसा मिलबे ना कइल। गोविंद भाई, हम तोरा चिट्ठी के पता लगाओ तनी। तोहरा पता लगावे तक ता लड़का के परीक्षा निकल जाई। हमरे भाग फूटल बा ससुरा। ए बनवारी, ई बुढ़ऊ खाली 3 बीघा जमीन छोड़ के अपन सब जमीन बेच देहले रे। तो खाली देखत रह, वो 3 बीघा हुआ भी हमरे ही पास आई। ए काका, हाँ 3 बीघा हुआ काहे रखले बाड़ा? वो दे दा हमरा के। ए बेटा, ये हाल रही तो एक दिन सब बिका जाई रे। सोहन प्रसाद, 2 लाख रुपए। इसके बाप ने फिर पैसे भेजे। एक्सक्यूज मी आंटी, मेरा कोई लेटर आया है क्या? नहीं तो क्या बताऊं आंटी, कल फीस भरने की लास्ट डेट है। मैं बाबूजी को लेटर पे लेटर भेज रहा हूँ, और बाबूजी पैसे भेजना तो दूर, लेटर्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसे वैसे भेजेंगे। नहीं आंटी, मुझे लगता है बाबूजी जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। कैसी बात कर रही है आंटी, आप मेरे माँ बाप को नहीं जानती। अच्छा तू एक बात बता दे जी, तेरे माँ बाप तुझे विदेश भेजने के लिए राजी थे? नहीं, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उन्हें ये डर लग रहा होगा कि पता नहीं तू गांव वापस आएगा या नहीं। पहले तो उन्हें सिर्फ डर था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया होगा। फिर वो तुझ पे पैसे क्यों लुटाएंगे? डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, जो पेड़ फल नहीं देता उसमें लोग पानी तक नहीं डालते। डोंट वरी बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगी। तेरे बाप का पैसा आए या ना आए, तू एग्जाम जरूर देगा। ये ले, पी ले बेटा। देख बेटा, वहां शराब के हाथ भी मत लगी है। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई, तले हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम हाथ भी ना लगाए। क्या सोच रहा है, ले पी। कहो गिलराम की माई। हमार मन घबराता जी, हम बड़ा खराब सपना देखनी है, हमरा सोहन के बड़ी चिंता होता जी। अरे ये सोच सोच के तो हमरो नींद नहीं खिया आवत रे। पहले तो हर 15 दिन में चिट्ठी आ जात रहे, अब 6 महीना हो गए और एको चिट्ठी के दर्शन नहीं किया। अरे एको दुगो और चिट्ठी भेज के देखी ना। अरे कतरा चिट्ठी लिखी, वो एको चिट्ठी के जवाब नहीं के दे। राम की भाई, हमरा ता बुझाता के ओकर लौटे के कहनो इरादा नहीं खे रे। कैसन बात करता नी जी, हमार मन कहता ना, हमार सोहन जरूर लौटी है, जरूर लौटी है। तू कुछ भी कहला, हमरा ता इहे बुझाता हमारे एहू लइका हाथ से निकल गई। और कसम को वहां को मेम साहब से कुजात में बियाह ना कर ले। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में बियाह ना करें। माई का हम तनी नेल पॉलिश ले ली, खत्म हो गई बा, जाऊन लेबे के बाद ले ले, बाकी जल्दी आई है, हम सब्जी लेके आ बताने। ठीक बा? ठीक बा माई। का चाहिए तोरा के? एगो नेल पॉलिश दे दा, लाल रंग के। हाँ दे तानी। तोरा का चाहिए? हमरा के चूड़ी दे दा। तू पहनबा? तब के पहरी, हम ना पहरबता। तोहार साइज का बा? ना पले ता नहीं खी, लेकिन 9 इंच होई। हमरा लगे 9 इंच की चूड़ी नहीं खे। तब कवना इंच के बा? 2-6 के 2-8 के मिली। तो 2-8 के दे दो जो सबसे बढ़न बा, 2-4-5 को कलर लेके आवो। ठीक बा।
ईला तोहर चूड़ी तू पहिरला। मेरी प्यारी चंदा रानी, 3 बजे हम मंदिर में तहार इंतजार करब। अहिया 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 जरूर अहिया। अगर तू ना आइलू तो 3:30 बजे हम तोहरा घरे आ जाइब। हे भगवान, और कुछ लफड़ा भइल तो बुझिया। अरे माई, माई का हम तनी मंदिर होके आ जाई। काहे उ काहे ना, हमार परीक्षा शुरू होके वाला बा। यही से ना, तू अकेले मत जा, कल हमरा साथे चलिए। अरे भाऊजी, सोहन भैया के चिट्ठी आई बा। हाँ तो जल्दी पढ़ना, वो कब आवा था लिख ले होई। आदरणीय बाबूजी प्रणाम, और माई के चरण छुके पड़ा। खुसरा खुसरा सोहन भैया। अरे वो खुसरा और किसन के प्यार पढ़। और किसन के प्यार पढ़ पढ़। बाबूजी तोरा जान के खुशी होई कि हम का भइल का भाई
अरे का भइल? एक ही सरवा कहाँ रे बोल ना। बाबूजी सोहन भी है शादी कर ले और वो एगो बेटी के बाप भी बन गए ले। पढ़ और आगे पढ़ हम देखल चाहता नहीं क्यों और का कारनामा कैले बा। तोरा लोग इनके बहुत ही याद होता और माई के देखे के मन करत माई के भेज देता तो अपना पोती के देख ली माई के ही वहां खाती 80,000 रुपया के ड्राफ्ट भेजा था और हमार फोन नंबर नीचे बा माई के आवे के खबर हमारा के दे दे तो हम माई के लिए भी खाती एयरपोर्ट चले रवा लोग इनके मझिला बेटा हेलो Who is speaking? अरे अंग्रेज के औलाद हम तो हर बाप बोलता नहीं। अरे बाबूजी प्रणाम। चुप रह। तो हर नौकरी लग गई तो हमार याद ना आई। हाँ ते ब्याह कर ले ले तो हमार याद ना आई। अब जब लड़की भइल हा तो हमार याद आ गई। तू एक बात कान खोल के सुन ला। हम तोहरा के ही बतावे खातिर फोन कही नहीं हा कि तू एयरपोर्ट मत आई हा। हम तोहार माई के ना भेजब। अरे ये तोहार नहीं है मिसिल बेलवा नहीं खे उ लंदन बा लंदन तू वहाँ अकेले कैसे जाएबू ओ मैं का करे के बा अब मैं हवाई जहाज में बैठा अब 12 घंटा में लंदन। अरे तू नहीं को बुझत अरे पासपोर्ट बनवावे के पड़ी ओकर बाद बस पकड़ के पटना जाए के पड़ी फिर पटना से रेलगाड़ी पकड़ के मुंबई जाए के पड़ी तब जाके मुंबई में जहाज मिली बैठे खातिर। हम कुल बुझता नहीं रवत चाहते नहीं कि हम अपने पोते के मुंह देखी बड़का के भाई वहाँ ना जाए देनी अब मछला के बल तू होने की जाए दे। अरे तू कैसन बात करता रू जैसे हम अपना पोती के दुश्मन बानी। अरे तोरा के कैसे समझाई के पोती के प्रेम के खातिर तोहार मती फिर गई बा। हवा माई मम्मी ये मेरी माँ है। हाँ हाँ ठीक है। आ माई ये हमारे सास हैं। कैसन भूतनी नियर लोकतिया। क्या बोला? कुछ ना। ठीक है आ जाओ। आवा मैं, आवा। हाय डार्लिंग। हाय। सोनी, ये मेरी माँ है। ओह, हाय। माई, ये तो हर बहू है। बहू? हाँ। लड़का से बिया कल बड़े करे? अरे नहीं माई। What did she say? Nothing, darling, nothing. कुछ भी नहीं। Okay, darling, I'm going for a basketball match. Catch you later. बिल्कुल। और हाँ, अपनी मामा को वो रूम दिखा देना, please. Bye. Bye, mama. चला माई, तोहरा के तोहर पोती से मिला होता नहीं। माई, ये तोहर पोती। अरे वाह। अरे हमार रानी। अरे Don't touch her. सोहन तुम अपनी माँ को समझा दो कि बच्ची को छूने से पहले हाथ तो धो ले। मायू हम समझ गए नहीं। समझ गए नहीं बेटा उतना लामे से आता नहीं हाथ गोड़े में तो धूल माटी लगले होगी फिर इतना सुंदर बच्ची महिला हो जाए। हे बेटा कहाँ हाथ गोड़ धोए के बाद चला हमके बता दा। चला माई हम तोरा के बाथरूम दिखा देता नहीं। ये कुछ कपड़े हैं धो देना। वॉशिंग मशीन चलानी आती है तुम्हें? कौन मशीन? ओफो अब लगता है इस इडियट को मुझे ही सारा काम सिखाना पड़ेगा। हेलो तनिक सोहन से बात करवावा। सोहन तो अभी घर पर नहीं है आप कौन बोल रहे हैं? हम सोहन के फादर बोला तानी सोहन के माई ना सोहन के मम्मी बाड़ी का। वो भी घर पर नहीं है तुम्हारा बेटा उसे घुमाने ले गया है। अच्छा 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 आप कौन बोला तारू? मैं सोनी की मम्मी बोल रही हूँ। अरे तू हमारा समदिन बोला तारू का हो का हो? What समदिन? फोन रखो बाय। हेलो हेलो काट दे इसका। Cheers. Yes, Jimmy.
Excuse me. That's what thank I thank you, thank you. Hey, buddy, रुक. इधर आ. कौन है यार ये? पहले तो नहीं देखा इसे. अरे नौकरानी है यार. Oh, नौकरानी? हाँ. कितने पैसे देते हो इसे? पैसे वैसे कुछ नहीं डालिंग. क्या? खाने कपड़े पे है. क्या बात कर रही है यार? लंदन में और फ्री की नौकरानी. अरे यार तू तो बड़ी लकी है यार. यार मुझे भी ऐसी नौकरानी दिला दे. बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करूंगी मैं. अरे तू यहाँ क्या कर रही है? उधर जा. हेलो. अरे अरे जल्दी सोहन के माई से बात करावा हो, ढेर दिन हो गए बात कहले. इधर राम के माई ऐसा आवाज लगाता. राम के माई? अरे तुरा कहा हो गया राम के माई? राम के माई, अरे तू बोलत कहा है नहीं खू? यू इडियट, फोन करना नहीं आता तो उठाती क्यों है? सारे ड्रिंक्स गिरा दिए, सारे ग्लास तोड़ दिया, जाहिल गंवार कहीं. अब इसे साफ कौन करेगा? तेरा बाप. चल साफ कर इसे. अब हमरा के सब समझ में आ गई कि राम के माई के अकेला काहे बुलावलस. अब हमरा के सब समझ में आ गई. लाखा 2 लाख रुपया धरा. घरवा के कागज दे आपने? हाँ इला बेटा, घर के कागजात. बेटा तू हमरा के 2 साल के समय दे दा, हम रात दिन मेहनत करके तो हर पाई पाई चुका दे. ठीक, लेकिन एक बात याद रखिया काका, 2 साल में अगर पैसा ना लौटौला ना तो घरवा कब्जिया ले बा. ए चचा ई बतावा, ये घरवा काहे गिरवी रखा तारा? लंदन, लंदन जाए खातिर. लंदन? लंदन काहे जाता रहा? पिछला जन्म में कौनो पाप कैले रहनी, उहे पाप धोवे खातिर जाता नहीं. बाबूजी, तोर माई कहुआ बाड़ी रे. बाबूजी, बाबूजी वो चल हट. कलावती, कहाँ रे सोना? जवान भाई तोरा के अपना कोख से जन्म देलस, वही के घर के नौकरानी बना देले. बाबूजी, तू हमरा के गलत समझता रहा. हम तो तोहर पोती के देखभाल करे खातिर माई के बोलोले रहनी. बाबूजी चुप रह. अब तू हमरा के सिखाइबे? अरे जो तोर माई 3 लड़का के जन्म देके अकेला पाल पोस के सियान कैली. अरे कबू बुलावली अपना माई के? और ते एगो लड़की पैदा करके गांव से अपन माई के बुला के नौकरानी बना दे. अरे लड़का पाले पोसे के बेवत नहीं के तो पैदा कहा कर ले रे? बाबूजी मर गए ले तोर बाबूजी. चल जा अपन माई के सामान लेके आ. बाबूजी हमार बात तो सुन ली. ए चल तोर सामान कहा बा. चल चल. बाबूजी अपन पोती के तो देख ली. चल हट रे. बाप कौन बेटा और के कर पोती? बेटा होला मूल धन, पोता पोत ब्याज हो,
हर मजबूरी सब छूटत बाटे आज हो। एक बेर जे अपना माई बाप के भुलाई बा, धरती त धरती नरक में ना जगह पई बा। जन्म जन्म नाही माफी मिली आपके, जन्म जन्म नाही माफी मिली आपके। जन भुलई हो, जन भुलई हो ए भाई माई बाप के, जन भुलई हो ए भाई माई बाप के। भाऊजी माई रहा दे, कोनो जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। ऐसे क्या बोला तेरे बाबूजी? ज्यादा प्यार मत दिखावा बेटा, तोहार लोगिन के नाटक हम अच्छा से जानता नहीं। अरे तोहार लोगिन जैसा औलाद से था कुकुर पालल अच्छा बा। अरे कुकुर काटला के तो इलाज बा, लेकिन तोहार लोगिन जैसा औलाद के काटला के कोनो इलाज नहीं खे। माई बाबूजी ऐसे कहे बोला तारे, इतना तो कबो ना बोला रहे हैं। ये का हो गेल बा बाबूजी के, आखिर हमारे से कौन गलती हो गेल बा माई? एमे तो हर कोनो गलती नहीं के बेटा, दरअसल ही दोनों भाई का गुस्सा तोरा पर उतार तारे। एगो तो पहले ही हमने के छोड़ के चल गल रहे, ऊपर से लंदन में हमार दुर्गति देख के इनकर विश्वास उठ गेल बा तू लोग पर से। इनकरा के लागत कि तू हमने के छोड़ के चल जाएगा। बाऊजी काहो कलावती, देखा था नहीं तू जब से लंदन से आयल बाड़ू तो हर खांसी बढ़ते जाता है। का करे राम के बाबूजी, ढलती उम्र में तो दुनिया भर के बीमारी लागल रहेला। कैसन बात करता रु तू, तोरा के शहर के बड़हन डॉक्टर से दिखाए तो तोहर सब तबीयत ठीक हो जाए। एगो बात पूछी जी। हाँ पूछा। पहले तो रउआ हमके राम कमाई कह के बुलावत रहनी, और आजकल हमार नाम लेके बुलावे नी। पहले तोहार औलाद रहले सन, यही से तू केहू के माई रहलू, अब तू केहू के माई ना, तू कलावती हो। हमार कलावती लनिगल कोई देख है क्या? ऐसे कामों के लिए तो आपके पास कुछ ज्यादा टाइम। मामी, मामी मामी मुझे कार्टून चैनल देखना है। मैं तो देखता नहीं है, मैं सीरियल देख रही हूँ, चल भाग यहाँ से। नहीं मुझे तो कार्टून चैनल देखना ही है। कार्टून चैनल देखना है तुझे, तो जाके अपने बाप की शक्ल देख। भिखारी को घर क्या बुला लिया, माली के बन बैठा है। भाभी आपको शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे से ऐसी बातें करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को उल्टा सीधा बोलने की? तो इसमें मैंने गलत ही क्या कह दिया? उसकी शादी से पहले औकात क्या थी सारी दुनिया जानती है। जबान संभाल के बात करिए भाभी, आप मेरे पति की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और इतना ही इज्जत वाला होता ना इस ऐशो आराम को ठोकर मार देता, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं फलता, समझी? शट अप भाभी, यू शट अप। यू इडियट। हाँ मम्मी। डॉक्टर साहब गोलू ठीक तो है ना? देखिए गोलू की हालत बहुत गंभीर है, उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप है एबी नेगेटिव, आप लोगों में से किसी का ब्लड है एबी नेगेटिव? नहीं। देखिए दिक्कत ये है कि हमारे हॉस्पिटल में इस ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है, आप कहीं से भी एक बोतल ब्लड का इंतजाम कीजिए, नहीं तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है आ
और बाबूजी के खून ए बी नेगेटिव है। बाबूजी, हे बाबूजी, रोड पोता के कपार फाड़ गिल बा, डॉक्टर कहता खून चढ़ावे के पड़ी और ए बी नेगेटिव ग्रुप के खून कहीं नहीं के मिलत बाबूजी। तो हम का करी, जा जाके अपना ससुर के बोल। ए बाबूजी, राउर ब्लड के ग्रुप भी ए बी नेगेटिव बाटे, अपना पोता के जान बचा ली बाबूजी। हमार पोता? अरे ऊ कब से हमार पोता हो गिल रे? कैसन बात करता नहीं बाबूजी, हम राउर बेटा है तो ऊ राउर पोता भइल ना। अच्छा अच्छा, उहे ना जौना के छठियार के नेवता तू हमरा देवे के भुला गिल रहले। ते हमार बेटा होते ना तो तोर माई बाप जियता की मरता ते कर खबर रखते। अरे जा राम बाबू जा, गोविंद प्रसाद आजकल फोकट में काम कइल बंद कर दे ले बा। बाबूजी हमरा के माफ कर दी, हमार गलती के सजा अपना पोता के मत दी बाबूजी। ऐसन बात बा तो सुन, तोहार बेटा के खून देवे के खातिर हम 10,000 रुपया लेब नगद। रुका, पहले हमार पैसा दा, फिर खून चढ़ाइया। हमरा पोता के जिंदगी खातिर दुआ करा लो। दुनिया निहारे बगिया में हरियाली के, पर खेला त्याग के हुका है नहीं माली के। ओ, माई बाप के दिल जब तोह से दुखाई, तोहरो भी बेटा एक दिन तोह के रुआई। तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के, तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के। जन भुलई हो जन भुलई हो ए भाई माई बाप के, जन भुलई हो ए भाई माई बाप के। सोनी सोनी सोनी। यस डार्लिंग। मेरे शेयर डॉक्यूमेंट्स कहाँ यार, मिल नहीं रहे। मामा के ड्रॉअर में होंगे, देख लो। मामा, मामा। क्या है बेटा? मामा ये लेटर साथ के ड्रॉअर में कहां से आए? मुझे क्या पता। सच सच बताइए मामा, ये लेटर साथ ने छुपाए थे ना वहां पर? What nonsense? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे बाप के लेटर छुपाने की? तो फिर आपको कैसे मालूम कि ये लेटर्स मेरे पिताजी के हैं? आपकी खामोशी साफ बता रही है कि ये लेटर्स आपने जानबूझकर छिपाए थे। ए, मेरे घर में रहके मुझे आंखें दिखा रहा है? मुझे ये फालतू के बकवास सुनने की आदत नहीं है। आप इसे फालतू बकवास कह रही हैं? इन चिट्ठियों से साफ जाहिर है कि कैसे पिताजी मुझे अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर पैसे भेजते रहे और आप है कि इन चिट्ठियों को मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया ताकि मेरे और मेरे परिवार के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए। आज आपकी वजह से मैंने अपने देवता जैसे माँ बाप को खो दिया और आप इसे बकवास कह रही हैं? मेरी इस गलती के लिए शायद मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी नीच और गिरी हुई हरकत की है आप लोगों ने। स्टॉप इट मिस्टर सोहन, ये बात भूलो कि तुम मेरी मामा से बात कर रहे हो।